नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें कि कुल मिला के बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, जो रेलवे में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए घबराने वाली जैसी बात इसमें लिखी गई है। देखिए, इसमें कुल मिला के 3 चीज़ें कही गई हैं, ए बी सी डी करके, और इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या है। फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो फ्रीजिंग का मतलब होता है स्थिर कर देना या जमा देना, यानी कि कोई प्रोसेस अगर पोस्ट क्रिएशन का चलते रहता है रेलवे में तो उसको वहीं पे रोक देना, ठीक है। अभी आगे आने वाली जितने भी भर्तियां निकलनी हैं उसको रोक देना, ठीक है। तो ये सभी के लिए लागू होते हैं, चाहे एनटीपीसी आपका हो या फिर एएलपी हो या ग्रुप डी हो, कोई भी पोस्ट आने वाली। अब बी में जो है दोस्तों, एग्जिस्टिंग पोस्ट के बारे में बात करिए जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के निकल चुके हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि रिव्यू किया जाए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, रिव्यू लिखा है क्रिएटेड इन लास्ट 2 ईयर्स, यानी पिछले दो साल में जो क्रिएट किए गए हैं जो भी पोस्ट, उनको रिव्यू करना है और देखना है कि रिक्रूटमेंट अगर उनका नहीं हुआ है तो उनको सरेंडर करने के लिए रिव्यू किया जाए, या सरेंडर मतलब कि खत्म करने के लिए, ठीक है। फिर एंड इसमें जोड़ा गया है थर्ड को, या सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन अदर सेफ्टी कैटेगरी, और जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसको 50% को क्या कहता है, सरेंडर कर देना है अदर देन सेफ्टी कैटेगरी। और सेफ्टी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, सेफ्टी मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो सेफ्टी के लिए काम करते हैं। तो रेलवे में जैसे कि ग्रुप डी में हो गए आपका ट्रैकमैन मोस्ट पॉपुलर हो गया, आपका सेफ्टी कैटेगरी में एक पोस्ट जो आता है तो उनका काम जो सेफ्टी में आता है। और दूसरा अगर एनटीपीसी की बात की जाए तो उसमें गुड्स गार्ड आता है आपका सेफ्टी कैटेगरी में। तो इन टाइप्स के जो पोस्ट हैं उनको छोड़ के बाकी सारे सरेंडर कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अब देखिए, ये सारी जो है रिव्यू के लिए बोली जा रही हैं। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी की बात कर ली जाए दोस्तों, तो देखिए ये मुझे इंटरनल डॉक्यूमेंट लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इंटरनल डॉक्यूमेंट लग रहा है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कल के दिन हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा ये वायरल हो जाए तो रेलवे इस पर संज्ञान ले और बोल दे कि ये फेक है, क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो वो उसको नकार भी सकते हैं। और ये रिव्यू के लिए है, यानी कि मान लीजिए कोई भी अगर अनाउंसमेंट करना रहता है तो उससे पहले इंटरनल कमेटी बैठती है, बातचीत चलती है, तो उनकी बात को कोई लीक कर दे तो आप उसे ऑफिशियल नहीं मान सकते हो, क्योंकि वो अभी रिव्यूइंग में है, ठीक है। तो चलिए, इसके ऊपर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी छपा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके कारण और ज़्यादा घबराहट लोगों को हो रही है। तो देख सकते हैं, रेलवे में नहीं होगी नए पदों पर भर्ती, सभी को किया फ्रीज, जिन पर परीक्षाएं नहीं हुई उन पदों का भी होगा रिव्यू। रेलवे में फिलहाल नए पदों की भर्ती नहीं होगी, यही सब A to Z बात कही गई है। इसी तरह दूसरे भी न्यूज़पेपर में छापा गया है, उसको भी दिखा देता हूं मैं, रेलवे में अभी नई बहाली नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देखो दोस्त अभी कुछ भी पुख्ता नहीं है। देखो ये दोनों बातें बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग है, कॉन्ट्रडिक्टिंग इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही रेलवे चेयरमैन वी के यादव ने कहा था कि NTPC की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है और 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई यानी आज को ही दोस्तों कॉन्फ्रेंस होना था प्री बिडिंग के लिए। तो उसका अभी तक तो पता नहीं, लेकिन हुआ होगा हमारे ख्याल से। तो जहां तक एक तरफ देखा जा रहा है कि NTPC का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और दूसरी तरफ अगर इसको माना जाए तो बंद होने वाला है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आप घबराओ मत इस चीज़ को लेके, लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगा कि सतर्क रहें, तैयार रहें, एकजुट रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एकजुटता बहुत जरूरी है। जैसे कि देखा गया है पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर जो भी ट्रेंड आया है उसको संज्ञान लेते हुए रेलवे ने उस पर एक्शन लिया है। जैसे कि सबसे बड़ा इसमें गोरखपुर का जो RRB गोरखपुर LP को लेकर यहाँ पे मानते चली थी। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि दोस्तों हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जहाँ पे कि आप सभी लोग इस पर ऐड हो सकते हैं, उस फेसबुक ग्रुप पे ऐड हो जाएं। अभी आप अगर करना चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बोलूंगा कि वहाँ पे जमा रहें ताकि कल के दिन कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें होती है जो आपको मुद्दा उठाने की बात हो तो हम लोग कैंपेन चला सकें, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब पर हो। तो प्लीज़ आप लोग उसमें ऐड हो जाइए। आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो यही सब चीज़ें कर सकती हो। इस साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अवेयर रहें, एक जगह हम लोग जुटे हुए रहे ताकि कल के दिन कुछ भी आपके खिलाफ कुछ होता है, मान लो कि आपके फ्यूचर के प्रति कुछ ऐसा होता है तो आप अपनी आवाज उठा सको, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन सब मिलेंगे तो कुछ आवाज उठाई जा सकती है और उसको बिल्कुल भी सही ढंग से बिल्कुल सिविलाइज्ड वे में हम लोग ट्विटर के थ्रू या फेसबुक के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाइए, आप लोग सभी को ऐड होइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आप कम से कम जिम्मेदारी लीजिए कि इस वीडियो को आपको कम से कम 3 लोग को दिखाना है और वो लोग उस 3 लोगों को शेयर करें, बल्कि चेन बनाना है जैसा कि आपने जय हो मूवी में देखा था, यानी कि 3 लोगों को आप
आपको इस वीडियो को शेयर करना है और उनको बोलना है कि देखो, और उनको ये भी कहना है कि कम से कम 3 लोगों को शेयर किया जाए, तभी जाके दोस्तों कुछ आउटपुट होगा। नहीं तो यही 100, 200, 300 ट्वीट होने से कुछ नहीं होगा। लाखों, जब तक लाखों की तादाद में ट्वीट नहीं होगा, 2-3 दिन तक ट्रेंड चीज़ें नहीं की जाएंगी, तब तक कुछ भी इसमें रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उसको ऐड हो जाए और बाकी सब जगह भी फैला दें। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, हम उनका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।